नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, ये दरदरा पिसा हुआ है, और 1.5 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है, घी में हम ये 2 कप बेसन डालेंगे और इसे हमें धीमी आंच पर भूनना है। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है और इसे भूनते हुए लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। देखिए इसमें हम 1 बड़ा चम्मच और घी डालेंगे। वैसे बेसन के लड्डू में घी डालते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए, घी अगर ज़्यादा पड़ गया तो ये फिर गाढ़ा नहीं होगा और गाढ़ा नहीं हुआ तो इसके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। अगर गर्मी के दिन है तो घी कम ही डालें। तो हमने 2 कप बेसन में 2 बड़े चम्मच घी डाला है, इसे हम बराबर मिक्स करेंगे और कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वे लिक्विड होता जाएगा, इसलिए इसमें घी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हम इसमें 1 और चम्मच घी डालेंगे। देखिए हमने 2 कप बेसन में 3 बड़ी चम्मच घी डाला है। अब इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। देखिए ये हमारा बेसन जो है भून चुका है। हमने जब इसे भूनना शुरू किया था तो ये पीले रंग का था और अब इसका कलर हल्का बादामी हो चुका है, इसका मतलब ये भून चुका है
और घी भी हमने पहले एक चम्मच डाला, फिर एक चम्मच डाला और फिर तीसरी बार एक चम्मच डाला, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसमें अगर घी ज़्यादा पड़ जाएगा तो ये गाढ़ा नहीं होगा और इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। ये एकदम से गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हमें ठंडा होने देना है, और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये बेसन काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और एकदम ठंडा भी हो चुका है। इसे गाढ़ा होने में 1.5 घंटा लगा है। और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि बेसन भूनने के बाद एकदम ठंडा होने के बाद ही उसमें चीनी डालनी है। अगर गरम गरम में आप चीनी डालेंगे तो उसके लड्डू नहीं बनेंगे, वो जमेगा ही नहीं, एकदम पतला हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और घी का भी मेजरमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, घी इसमें ज़्यादा पड़ गया तो भी वो गाढ़ा नहीं होगा। देखिए, ये मिक्स हो चुका है, हम इसके लड्डू बना लेंगे। और इस पे काजू और पिस्ता लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।